इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 26। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 26। उज्जियाह का राज्य। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत, यबने और अशदोत की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोत के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। और परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की, और अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे। वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहर पनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए, और उसके बहुत जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों पर और कर्मेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती ईएल मुंशी और मासियाह सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी, और उनके अधिकार में 3,750,000 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए, अर्थात पूरी सेना के लिए, उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थ्य हो गया। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, और अजरियाह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून के संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ, और अजरियाह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया,
वरन यह जानकर कि यहोवा ने उसे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की और उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। निदान उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।